आप देख रहे हैं तेजखबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। तेजखबर 24 में इस वक्त सरकारी पैसों के गबन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। खबर है रीवा से, जहां टीआरएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो विभाग ने शिकंजा कसते हुए अपराध को रजिस्टर्ड कर लिया है। तो इस वक्त अब तक की यह सबसे बड़ी खबर है रीवा से, जहां सरकारी पैसों के गबन मामले में रीवा के उत्कृष्ट महाविद्यालयों के पूर्व प्राचार्य सहित तीन लोगों पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में अब तक 4,30,00,000 रुपए का गबन किए जाने का मामला सामने आया है। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय यानी टीआरएस कॉलेज के बहुचर्चित मामले में अंततः पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला सहित सत्येंद्र शर्मा व यूएस खान के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला दर्ज होने के बाद अब रामलला शुक्ला की मुश्किलें अब और भी बढ़ चुकी हैं। इस पूरे मामले को लेकर ईओडब्ल्यू कार्यालय में आज हुई प्रेस वार्ता के दौरान ईओडब्ल्यू एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया है कि वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2020 में तकरीबन 4.30 करोड़ रुपए गबन का मामला प्राथमिक जांच में सामने आया है। इसमें ईओडब्ल्यू एसपी ने बताया है कि यह सारी राशि जनभागीदारी निधि से स्वयं के खाते में ट्रांसफर की गई है। जी हां, इस संबंध में टीआरएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला व अन्य ने यह बताया है कि उक्त वित्तीय वर्षों में परीक्षा पत्र तैयार करने एवं मूल्यांकन आदि का मेहनताना उनके द्वारा लिया गया है, जो पूरी तरह से अवैध है। इतना ही नहीं, बताया गया भी जा रहा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए स्वयं रामलला शुक्ला ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर किया है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। फिलहाल आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। टीआरएस कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इसमें जांच में पाया गया था कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 दो वर्षों में प्रिंसिपल श्री रामलला शुक्ला एवं कुछ समय के लिए जो यूएस खान प्रिंसिपल रहे एवं सत्येंद्र शर्मा, इन लोगों ने करीब 4.5 करोड़ रुपए जनभागीदारी निधि से स्वयं के खातों में ट्रांसफ़र कर ली। इन्होंने बताया कि जो इन्होंने परीक्षा पत्र तैयार किए, उसका मूल्यांकन किया, उसका टेबुलेशन किया, उसके आधार पर इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए अपनी मेहनताना बताते हुए टीआरएस कॉलेज के फंड से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, जो कि अवैध था और इस पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। करीब 1.5 करोड़ रुपए रामलला शुक्ला ने ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए 2 सालों में, और ऐसी जानकारी मिली है कि पिछले 23 सालों से ये अवैध लाभ प्राप्त किया जा रहा था। तो इसकी एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है और जांच की जाएगी।